हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार हम कोई भी वेबसाइट अपने नेटवर्क में एक मिनट से भी कम समय में ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज के इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और लॉग इन करते हैं अपने PFSense फायरवॉल में। और लॉगिन करने के बाद आइए मैं आपको चेक करा देता हूँ वो वेबसाइट जो हम आज ब्लॉक करने जा रहे हैं वो हमारे नेटवर्क में चल भी रही है कि नहीं। ठीक है, तो आज हम फेसबुक को ही ब्लॉक करते हैं। तो मैं आपको फेसबुक चेक करा देता हूँ हमारे नेटवर्क में चल रहा है कि नहीं। ठीक है, फेसबुक चल रहा है हमारे नेटवर्क में और इसी को हम ब्लॉक करेंगे। और फेसबुक को ब्लॉक करने के लिए आइए दोबारा चलते हैं हम अपनी PFSense फायरवॉल पर। उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज टैब पर। उसके बाद आपको DNS रिजॉल्वर सेलेक्ट करना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद जनरल सेटिंग्स का जो आपको पेज शो हो रहा होगा उसको आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे नीचे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा डोमेन ओवरराइड्स। ठीक है, इसी के थ्रू हम आज फेसबुक को ब्लॉक करेंगे। उसके बाद आपको ऐड बटन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले डोमेन ओवरराइड के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे ही कोई यूजर आपके नेटवर्क में किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले DNS सर्वर के पास जाती है, क्योंकि हमने अपने PFSense फायरवॉल में DNS रिजॉल्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है और इसी को एज ए DNS सर्वर यूज कर रहे हैं। तो हमारे केस में वह रिक्वेस्ट सबसे पहले DNS रिजॉल्वर के पास आएगी। और मान लीजिए उस यूजर ने फेसबुक वेबसाइट को ही एक्सेस करने की कोशिश की है तो क्या होगा, फेसबुक वेबसाइट की रिक्वेस्ट DNS रिजॉल्वर के पास आएगी। DNS रिजॉल्वर अपना डाटाबेस चेक करेगा और DNS रिजॉल्वर को अपने डाटाबेस में फेसबुक के लिए ये IP मिलेगा जो कि एक लूप बैक एड्रेस है। ये फेसबुक का IP तो है नहीं, इसलिए फेसबुक वेबसाइट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए भी डोमेन ओवरराइड के थ्रू वेबसाइट इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जिस भी डोमेन को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे हम फेसबुक वही ब्लॉक करना चाहते हैं तो facebook.com टाइप कर दिया है। IP एड्रेस आपको कुछ भी उटपटांग सा दे देना है जो फेसबुक से रिलेटेड ना हो बस। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके नेटवर्क में वह IP ना रन कर रहा हो, पता चले कि आपने अपने नेटवर्क के किसी PC का या किसी सर्वर का ही IP डाल दिया और वह सर्विसेज रन होना बंद हो गई या वह सर्वर ही एक्सेसिबल नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे सेफ IP एड्रेस लूप बैक एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, अप्लाई करा देते हैं। अप्लाई हो गया है, आइए चेक करते हैं फेसबुक चल रही है कि नहीं हमारे नेटवर्क में। ठीक है, ये पेज हमने बंद नहीं किया था, इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं या रीलोड कर लेते हैं। ये देखिए फेसबुक ब्लॉक हो चुका है हमारे नेटवर्क में पूरी तरह। इस मेथड के थ्रू वेबसाइट ब्लॉक कराने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आइए नुकसान के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहला नुकसान यह है कि आप यदि इस मेथड के थ्रू कोई वेबसाइट अपने नेटवर्क में ब्लॉक कराते हैं तो वह वेबसाइट पूरे नेटवर्क में ब्लॉक होगी, आप कोई भी फिल्टर उसमें ऐड नहीं कर सकते। समझ रहे हो फ्रेंड्स, कोई भी फिल्टर, जैसे अगर आप चाहें कि इन स्पेसिफिक डिवाइसेस पर यह वेबसाइट ब्लॉक हो जाए या इन पर्टिकुलर IPs पर यह वेबसाइट ब्लॉक हो जाए, ऐसा फिल्टर आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। या आप चाहें कि इतने टाइम के लिए ब्लॉक हो जाए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। दूसरा नुकसान, जितने भी ऐप बेस्ड डिवाइसेज हैं जैसे आपका एंड्रॉयड फोन हो गया, आईफोन हो गया, उन पर यह तरीका काम नहीं करेगा, यह मेथड काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा FQDN को यूज़ करते हैं। उनके लिए आपको FQDN रूल ही क्रिएट करना होगा अपनी फायरवॉल में।
अब सवाल उठता है इस मेथड का यूज करने का क्या फायदा है सिस्टम एडमिन और नेटवर्क एडमिन के लिए। तो इसका फायदा यह है कि जब भी हमें कोई वेबसाइट अपने नेटवर्क में जल्दी से जल्दी ब्लॉक करानी होती है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, डोमेन ओवरराइड। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम वह वेबसाइट ब्लॉक करा देते हैं। ब्लॉक कराने के बाद हमें टाइम मिल जाता है और हम उस दौरान फायरवॉल रूल क्रिएट कर लेते हैं और जैसी भी रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, जैसे मान लीजिए एडमिन और एचआर सेक्शन के लिए हमें वह वेबसाइट अलाउ करानी है, तो हम एडमिन और एचआर सेक्शन के आईपीज को वह वेबसाइट अलाउ करा देते हैं एलियास क्रिएट कर। ठीक है, डोमेन ओवरराइड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमें समय मिल जाता है फायरवॉल रूल क्रिएट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा किस प्रकार हम कोई भी वेबसाइट अपने नेटवर्क में इंस्टेंटली ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि केवल कंप्यूटर और लैपटॉप्स के लिए, एंड्रॉयड डिवाइसेस या कहें ऐप बेस्ड डिवाइसेस, जितनी भी ऐप बेस्ड डिवाइसेस हैं जिसमें ऐप रन करती हैं, एप्लीकेशन रन करती है, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गई, iOS एप्लीकेशन हो गई, उनमें इस मेथड के थ्रू हम वह वेबसाइट या वह ऐप ब्लॉक नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एफक्यूडीएन रूल ही क्रिएट करना होगा अपनी पीएफसीएन फायरवॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।